कितनी राहत मिलेगी और कितना फायदा होगा आप लोग को? पूरे उत्तर प्रदेश को सौगात पे सौगात प्रयागराज माँ गंगा जमुना सरस्वती की धरती है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस देश की बागडोर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मी योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो लगातार प्रयागराज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में इतना दिव्य भव्य कुंभ हुआ और प्रयागराज को एयरपोर्ट की सौगात मिली, प्रयागराज को कई सारे फ्लाई ओवर मिले और आज उसी में इतनी सुंदर इतनी अच्छी बस है कि आदमी को अपने कार से ज़्यादा अच्छा सुविधाजनक यहाँ पर यात्रा करने में मिलेगा। CCTV कैमरे से लैस यहाँ हमारी बहनें हमारी माताएं कोई भी जाएगा, एक तो सुरक्षित, दूसरा लोक लोर होने की वजह से बुजुर्ग को भी चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इतनी सुंदर ये बस है कि लोगों को प्रेरित करेगी अपनी कार घर पर खड़ी करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। ठीक है मंत्री जी, अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि अब की बार जो सरकार है वो सपा की बनेगी, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मानते हैं उन्होंने और ऐसी बयानबाजी देना, और कुछ उन्होंने टिप्पणियाँ भी करी हैं जो छापेमारी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं उसमें? ओके, अखिलेश यादव, अपनी मेहनत से कोई आदमी अगर हम दे देंगे मेहनत करके आता है तो वो सब चीज़ों को समझता है। उनके पिताजी को मैंडेट मिला और उन्होंने पिताजी ने गद्दी सौंप दी तो 5 साल वो लैपटॉप फेसबुक ट्विटर पे खेलते हुए बिता दिए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी इतनी छोटी सोच हो, जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है, रिक्शा ट्रॉली चलाता है, उसकी भी सोच नहीं होती कि किराए का मकान छोड़ कर के जा रहे हैं तो उसकी टोटी निकाल, अगर कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पे दिखते हैं तो अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, उसकी ऐसी सोच जो देश पूरा दुनिया कोरोना से पीड़ित थी, कोरोना से कराह रही थी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद किया, उस पर उसकी टिप्पणी कि भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे, इसको थूक के चाटने वाला ही बयान कह सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुलायम सिंह जी का कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर किया, खुद जाकर के वैक्सीन लगाई। तो ऐसे ही जो ओसामा बिन लादेन जिन्ना को अपना आदर्श बताता हो, सरदार पटेल और महात्मा गांधी से तुलना करता हो, उसको जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं। होर्डिंगों में बैनरों में हम आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आ रहे हैं, पूरी दलित की बस्ती फूट दी गई थी, किस तरह से गुंडे अपराधी पुलिस को बोनट पे बैठा करके घुमाते थे, किस तरह से गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था अपराध।